कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस वॉर रूम में सुबह 11 बजे बैठक होगी। चुनाव समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्य हिस्सा लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस चुनाव समिति की आज वॉर रूम में सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 29 सदस्य मौजूद रहेंगे। सहयोगी लोकेश शोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी ऋषभ, चुनाव समिति की पहली बैठक है और ये जो बैठक है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है जी। और इसी रोडमैप तैयार करने के लिए ही पहली बैठक आज पीसी वॉर रूम में बैठक आयोजित होगी, जिसमें चुनाव समिति के सभी 29 सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के भी दोनों सदस्य मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दरअसल बीते दिनों जो बैठकें हुई थी कांग्रेस की, और उन बैठकों के अंदर जिस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश कांग्रेस के जो चुनाव समिति है, उस चुनाव समिति के सदस्यों और साथ साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में राय रखेंगे कि किस तरह से आगे अब चुनावी तैयारी की जाए, चुनावी तैयारियों में किस किस को किस तरह की जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि जो कांग्रेस मिशन रिपीट को लेकर आगे चल रही है उस मिशन रिपीट को सफल बनाया जाए। इसी के लिए चुनाव समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, साथ ही सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग जो चुनाव समिति के सदस्य के तौर पर। इसके अलावा तमाम जो मंत्री और अन्य जो पीसीसी के सदस्य, आईसीसी के सदस्य जिनको चुनाव समिति में शामिल किया गया है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इसके जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल, दोनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ताकि आगे की जो रणनीति किस तरह की है कांग्रेस की, उसके ऊपर भी चर्चा हो सके। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी किस तरह से आगे काम हो, और स्क्रीनिंग कमेटी अपने जो पक्ष है वो किस तरह से चुनाव समिति के सामने रखेगी, उसको लेकर भी, और उनको किस किस तरह की आवश्यकता होगी, उन मुद्दों को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। देखिए, चुनाव होने जा रहे हैं अब जो 2023 के विधानसभा के, उन चुनाव के अंदर सभी सदस्यों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। उस जिम्मेदारी को लेकर ही आज चर्चा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उस बैठक में पर्यवेक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, यानी कि जो लोकसभा वार 25 पर्यवेक्षक लगाए गए थे, उनको अपने अपने क्षेत्रों में 17 अगस्त से जाने के निर्देश दिए गए थे, और सभी पर्यवेक्षक पहुंचे भी और तमाम जो बैठकें भी उन्होंने की है। और इसके अलावा जो अन्य जो बैठक हुई थी उसमें भी जो कांग्रेस के बिल्कुल कहीं ना कहीं लोकेश, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमेटी की बैठक है, टिकट वितरण समेत चुनावी रणनीति पर मंथन, फिर उसके बाद समिति का काम, दावेदारों को योगदान देना, और कहीं ना कहीं भाजपा से पहले सूची लाकर भाजपा पर एक दबाव बनाने की रणनीति भी है, क्योंकि कल ही सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये कहा कि सितंबर में हमारी पहली सूची सामने आ जाएगी। देखिए बिल्कुल, सितंबर के आखिरी सप्ताह, जो सितंबर के पहले सप्ताह या फिर बात करें तो जैसे ही चुनावी आचार संहिता लगती है उसके बाद कांग्रेस एक मैसेज के तौर पर पहली सूची जारी करने की घोषणा उसने करेगी, और उसमें करीब 40 से 45 ऐसे विधानसभा अध्यक्षों की जिनको लेकर नाम तय होंगे। कई ऐसे टिकटें भी उसमें होगी जहां लगातार कांग्रेस हार रही, और वहां पर उन प्रत्याशियों को पहले से ही तैयारी करने के का मौका दिया जाएगा। साथ ही जो बैठकें हो रही है, ये बैठकें चुनावी तैयारियों को लेकर है। स्क्रीनिंग कमेटी अपने स्तर पर काम करेगी, हालांकि सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उन्हें दिशा निर्देश मिलेंगे किस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को आवश्यकता होगी, और किन किन और किस किस तरह के उनको रिपोर्ट कार्ड चाहिए वो भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उस बैठक के अंदर लेंगे। इसके अलावा बात करें तो जो चुनावी घोषणा पत्र है वो किस तरह का तैयार किया जाए,
उसके लिए पीसीसी को किस तरह की तैयारियां करनी है, और इस तरह से तमाम जो कांग्रेस के मुद्दे हैं या फिर जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होना चाहिए। जी बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो भाई भतीजावाद नहीं चलेगा कांग्रेस में, सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ सर्वे के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ने के योग्य चेहरे हैं उनको खोजने की रणनीति भी पूरी तरह तैयार करनी होगी और योग्य चेहरे ढूंढने भी होंगे कांग्रेस को। देखिए ऋषभ, भाई भतीजावाद या फिर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस की ओर से जो कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट होंगे, तो कई तरह की बयानबाजियां की जा रही है जी। लेकिन वो कितनी सच्चाई होगी, वो टिकट वितरण और जो सूची जारी आएगी सामने उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो हर एक एंगल के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि सदस्य किस तरह के होने चाहिए, रिपोर्ट जिसका अच्छा होगा उसको टिकट दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है जिन परिवार या फिर जो नेता अब तक चुनाव लड़ते आए हैं उनके परिवार के सदस्यों को अगर टिकट दी जाती है तो यही एक तर्क आता है कि इनका सर्वे रिपोर्ट है वो अच्छा आया था, उनकी काम करने की जो शैली है वो अच्छी थी, इसलिए इनको टिकट दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है टिकट भाई जो परिवारवाद को आधार पर की जो परिवार के सदस्य पहले से उनके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को टिकट दी जा सकती है, हालांकि इसको नकार नहीं सकते। साथ ही बात करते हैं जो सर्वे किया जा रहा है अलग अलग से कांग्रेस पार्टी की ओर से, आईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से और अन्य एजेंसियों की ओर से सर्वे करवाया जा रहा है, सर्वे की रिपोर्ट ली जाएगी और उस रिपोर्ट के अनुसार जो पैनल तैयार किए जाएंगे कि कौन कौन उम्मीदवार है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही जो टिकट का जो डिक्लेरेशन है वो किया जाएगा। तो कहीं नहीं स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करेंगी, एआईसीसी के तमाम जो सदस्य हैं वो अपना काम करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी और सभी अपने अपने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के जो जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे और उसी के आधार पर टिकट वितरण का काम है वो किया जाएगा। बिल्कुल लोकेश, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पहली सूची आएगी उसमें ये स्पष्ट है कि उन्हीं नामों को तय किया जाएगा जिनके नामों पर कोई विरोधाभास ना हो, बड़े बड़े जो चेहरे हैं मंत्री हैं अभी फिलहाल सरकार में उन सबको ही टिकट दी जाएगी। देखिए जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती आई है वहाँ चेहरे क्लियर है कि अगर कोई और उम्मीदवार नहीं है, कोई और दावेदार नहीं है उसके मुकाबले मजबूती से, तो वहाँ टिकट होना तय है। साथ ही ऐसे सीटें भी होगी जहाँ 2018 या 2013 में कांग्रेस पार्टी हारती आई है, उन विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस की ओर से जल्दी टिकट देकर उन उम्मीदवारों को भी समय देने का काम किया जाएगा जो चुनावी रणनीति बना सके, अपना रोड मैप तैयार कर सके और उसी की तरह से अपने फील्ड पर काम कर सके। ऐसे में उन क्षेत्रों के ऊपर भी टिकट देने का काम किया जाएगा जहाँ लगातार हार रही है और उन क्षेत्रों में भी टिकट देने का काम किया जाएगा जहाँ से लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती आई है। बिल्कुल लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस वॉर रूम में ये महामंथन होगा, चुनाव समिति की पहली बैठक है ये और डोटासरा इसके अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 29 नेता मौजूद रहेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 11 बजे कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक शुरू होगी।